नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का भूगोल का पहला पाठ संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ की प्रस्तुति बहुत ही रोचक तरीके से की गई है। दो बच्चे अपनी माताजी को गृह कार्य में मदद कर रहे हैं। मदद के दौरान वे घर की विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, शहद की बोतल, किताबें इत्यादि उपयोगी वस्तुओं को देखते हैं। तब मोना कहती है कि ये सारी वस्तुएं कितनी उपयोगी है, शायद इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो माताजी उनको जवाब देती कि ये सब संसाधन है। माताजी के ऐसे कहते ही राजू के मन में प्रश्न उठता है कि माताजी ये संसाधन होते क्या हैं? और स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के को जब कोई नई वस्तु नाम सुनने को मिलता है तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो चीज़ है क्या। तब माताजी ने उसे बताया कि वे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वे सब संसाधन कहलाती हैं। जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं कि हम विविध प्रकार के संसाधनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और लगभग हम उन सबको पहचानते भी हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, स्कूल जाते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, बैग लेके जाते हैं, आवागमन के लिए रिक्शे का प्रयोग करते हैं। ये सारे ही उपयोगी चीजें हैं और ये सब संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक कि जब हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उनमें जो ताजी सब्जियों का उपयोग करते हैं वे भी लगभग सब संसाधन कहलाती हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा ही है और उनमें से सभी वस्तुएं उपयोग के हमारे द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता ही उसे संसाधन बनाती है। राजू अपनी माताजी से पूछता है कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती कैसे। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ कि जैसे पुराने टाइम में कोयला खदानों में खूब मात्रा में पड़ा था, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, इसलिए कभी उसकी प्रयोज्यता हमें समझ में नहीं आई और वो एक पदार्थ के रूप में ही खदानों में पड़ी रही। पर ज्यों ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और उसको चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया गया, उस समय वो पदार्थ एक मूल्यवान संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गया और उसकी मूल्यवान होने के कारण वो हमारे उपयोग में आने लगा और उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी प्रकार मूल्य का अर्थ यहाँ कीमत या वस्तु के रुपए पैसे से नहीं तोली गई, वस्तु वरन उसके महत्व से है कि कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य के होते हैं और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुएं हैं, बाजार से हम कोई वस्तुएं खरीदते हैं, उन सबका आर्थिक मूल्य निर्धारित होता है, लेकिन जहाँ हम घूमने जाते हैं, कोई मनोरम दृश्य है, उनका हमें आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, वे हम स्वाभाविकता ही देख लेते हैं। परंतु ये दोनों ही संसाधन ही है और दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पुराने टाइम में दादी जी घर पे इलाज के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग करती थी, लेकिन उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं था। पर समय के साथ साथ कई बार इन घरेलू नुस्खों का भी आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाते हैं या वे मूल्यवान हो जाते हैं। अगर उन्हें पेटेंट के करने के पश्चात किसी मेडिकल फर्म को बेच दिए जाते हैं तो वे ही घरेलू नुस्खे आर्थिक रूप से मूल्यवान होकर एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए समय और प्रौद्योगिकी, ये दो महत्वपूर्ण कारक होती है। दोनों ही आवश्यकताओं से संबंधित। इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं संसाधन कैसे है? मनुष्य को हम एक संसाधन के रूप में कैसे मान सकते हैं? मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक श्रम से आविष्कार, खोज आदि करके अधिक से अधिक संसाधनों की रचना करता है। जब कोई खोज और आविष्कार होता है तो उससे संसाधनों की रचनाओं में भी परिवर्तन आता है। अर्थात आग की खोज हुई तो खाना पकाने की पद्धति का प्रचलन बढ़ा, पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन में सुविधा हुई और नवीनतम विधियों का विकास हुआ। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव एक संसाधन के रूप में। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि नाम से ही हम इसको समझ सकते हैं
कि जो प्रकृति के द्वारा सीधे ही बिना किसी संशोधन के हमारे उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा आदि को हम सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। इनके लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रकृति को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता बल्कि सीधे उपयोग में लाते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अगर हम अच्छी तरीके से न करें तो उनका लगातार दोहन करने से वे एक दिन समाप्त भी हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो रूपों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात असीमित होते हैं और खत्म होने के बाद उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनको एक बार खत्म होने के पश्चात हम पुनः बना सकते हैं। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जिनका लापरवाही से दोहन करने से या उपयोग करने से उनके भंडार प्रभावित हो सकते हैं, जैसे जल, मृदा, वन आदि। अगर जल का अत्यधिक दोहन होगा तो भूमिगत जल है उसकी मात्रा में कमी आएगी, मृदा का कटाव होगा तो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। वनों की लापरवाही से कटाई की गई तो एक दिन वर्षा नहीं होगी, सूखा, अकाल आदि स्थितियां पैदा हो जाएगी। इसलिए भले ही जल नवीकरणीय संसाधन है लेकिन फिर भी हमें इसका उपयोग और दोहन उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें इनसे वंचित न होना पड़े। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। मनुष्य ने इन्हें नहीं बनाया है बल्कि प्रकृति में स्वयं ही रासायनिक संरचना के द्वारा ये बने हैं और एक बार अगर इनके भंडार समाप्त हो गए तो उन्हें पुनः प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये अवधि एक मानव जीवन से बहुत अधिक होती है। अतः अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही करना चाहिए। अत्यधिक दोहन या लापरवाही में इनका दोहन करके इनके भंडारों को हमें खत्म नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।